हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं बच्चों इस वीडियो में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, एमसीक्यू फिजिक्स 12th। इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी वीडियोस भी मिलते रहेंगे अदर चैप्टर्स से, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज पर वीडियोज़ बना रहे हैं। कुछ हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं और कुछ हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पर फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अदर वीडियोस के लिंक पा सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूंगा, तो चलिए जल्दी चलते हैं फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, देखिए यहां पर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाई, इनमें से किस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले नोटिस किया था? हर्ट्ज ने किया था, लोरेंट ने किया था, या फिर ऑस्टर्ड ने किया था, या फिर फैराडे ने किया था? तो देखिए, ऑस्टर ने यानी हंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने सबसे पहले 1820 में एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया था, ये नोटिस किया था, जब उन्होंने पाया कि कंपास निडल को अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर जाते हैं तो कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन शो होता है। अगर कंपास निडल करंट कैरिंग कंडक्टर के पास डिफ्लेक्शन शो करती है, इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ यानी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, यानी ऑस्टर्ड है साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है द लॉज ऑबेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड बाय, यानी इनमें से किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जितने भी लॉज हैं यानी उनको यूनिफाई किया। ओके यूनिफाई करने का मतलब है कि मैक्सवेल ने, जैसे यहां पर इसका आंसर होगा मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया, यानी कंबाइन करके कुछ अपनी इक्वेशंस दी थी, जिनको हम मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। राइट, तो मैक्सवेल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को यूनिफाई किया था। राइट, और कुछ इक्वेशंस दी थी जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। राइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दोनों के लॉज को उन्होंने कंबाइन करके कुछ फॉर्मूले दिए थे। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों, जेम्स मैक्सवेल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इट रिमेन्स स्टेशनरी स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव्स परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा बेटा? अगर यहां पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या फिर अपनी स्पिन करेगा अपनी एक्सिस पर, या फिर डायरेक्शन जो फील्ड की है उसी के अलोंग मूव करेगा, या फिर फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा? तो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। राइट, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पर देखिए, अगर वी की वैल्यू जीरो है, यानी अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो वी जीरो हो गया, यानी उसकी स्पीड जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो उस केस में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी यहां पर फील्ड जो है उस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट यहां पर नहीं हो रहा है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी रिमेन्स स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो एक मेटेलिक फ्रेम पर बाउंड होती है। अब उसको मेटेलिक फ्रेम पर बाउंड इसलिए करते हैं ताकि वहां पर एडी करंट प्रोड्यूस हो, क्योंकि एडी करंट प्रोड्यूस होने से वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर डेड बीट गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो यहां से क्वेश्चन और बन सकता था कि मेटेलिक फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, तो टू प्रोड्यूस एडी करंट और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, यानी गैल्वेनोमीटर एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो आप याद रखें, मेटल फ्रेम क्यों लगाते हैं, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी अगर दो कंडक्टर्स हैं पैरेलल हैं, दोनों में इक्वल करंट है और दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, तो वहां पर दोनों कंडक्टर जो है एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव
रिपल्सिव या फिर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और कैन नॉट से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप याद रखें, अगर दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर में करंट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, राइट, यानी एक दूसरे पर वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अगर करंट की वैल्यू रिवर्स हो जाए एक कंडक्टर में, तो यहाँ पर वो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। उस केस में वो कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अगर करंट रिवर्स में है, राइट, यानी दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होगा स्पीड ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, राइट, तो एक सर्कुलर पाथ वो जो है वहां पर बनाता है, और अगर वो एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ बनाकर बाहर आ जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वहां पर एक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है ये, तो ये एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर बनाएगा, यानी इसका मोशन कैसा होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ओके, देखिए, राइट, तो अगर इसकी वेलोसिटी वी है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा भाई चार्ज पार्टिकल पर चार्ज है क्यू, इसकी वेलोसिटी है वी, लीनियर वेलोसिटी, और ये आर रेडियस पर मूव कर रहा है, आर रेडियस पर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बच्चों, और इसका मास है बच्चों एम। तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले यहाँ पर ऑप्टेन करते हैं जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो एक तो रेडियस का फॉर्मूला हमें मिलता है, राइट, और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिलता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिलता है स्टूडेंट्स 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो आप देखिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इसमें वेलोसिटी नहीं है, यानी टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल के, राइट, यानी स्पीड की पार्टिकल की स्पीड कितनी भी बढ़ रही है, टाइम पीरियड ऑफ जो वन साइकिल है यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड कब पड़ेगा, या तो मास चेंज हो, या फिर उसका चार्ज डिफरेंट हो, या फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो। ओके, सो इस केस में ही टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, तो वेलोसिटी पर या स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, ऑल दो रेडियस जो है रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। तो अगर पार्टिकल की स्पीड आप चेंज करते हैं तो उसकी रेडियस चेंज होती है, ना कि उसका टाइम पीरियड। ओके, तो यहां पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन क्यू बी। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन होगा ए, यानी स्पीड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, याद रखेंगे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग। तो यहां पर फोर चीजें दी हुई हैं, यहां पर फोर वैल्यूज दी हुई हैं, फोर क्वांटिटीज दी हुई हैं, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, टॉर्सनल कॉन्स्टेंट या फिर एरिया। तो इनमें से क्या चीज चेंज करके हम गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसमें से किस चीज को हमें डिक्रीज करना है। तो आप ध्यान दें, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वेनोमीटर की, ISM को डिनोट करते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है थीटा अपॉन आई, यानी वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट। ओके, और इसको हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है NBA/K। तो यहां पर हर लेटर का अपने यूजुअल मीनिंग है, जैसे N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, कि उस गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया है, A है यहां पर जो अंदर कॉइल होती है गैल्वेनोमीटर के उसका एरिया, और के है यहां पर स्मॉल के, जिसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। तो आप ध्यान से देखें यहां पर IS का फॉर्मूला क्या बनता है, NBA/K। तो इन फोर जो यहां पर फैक्टर्स हैं, इनमें से किस फैक्टर को अगर आप डिक्रीज करें तो IS की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जो भी फैक्टर यहां पर डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे तो IS इंक्रीज करेगा। तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में है टॉर्सनल कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट।
तो अगर हम टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी टॉर्सनल कांस्टेंट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज वी मस्ट कनेक्ट, यानी अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन देखिए। अ सुटेबल लो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करना होगा गैल्वेनोमीटर के, या फिर सुटेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट करना होगा, या फिर सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, या ए सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ध्यान रखें बच्चों आप यहाँ पर ए सुटेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको कनेक्ट करना होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में आपको सुटेबल लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट कहते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ उसको पैरेलल में लगा देते हैं तो यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ये दोनों मिलकर एक कन्वर्टेड एमीटर बनाते हैं। ओके, क्या बनाएंगे, कन्वर्टेड एमीटर, राइट। तो एक गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग ए सुटेबल लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ गिवन रेंज बाय कनेक्टिंग, यानी एक गैल्वेनोमीटर को आप, देखिए स्टूडेंट्स, एक गैल्वेनोमीटर को आप एक वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए आप, एक गैल्वेनोमीटर को आपको अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो सुटेबल हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। देखिए जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है तो आपको यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, हाई रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए आपने हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया सीरीज में, तो ये दोनों मिलकर अब एक वोल्टमीटर बनाएंगे। ओके, ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर अब कन्वर्टेड वोल्टमीटर बनाएंगे, राइट। तो एक गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको लगाना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस कन्वर्टेड वोल्टमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, जी प्लस आर। ओके, जी हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और आर हो गया जो आपने सीरीज में लगाया है। अब ये दोनों मिलकर वोल्टमीटर बनाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का क्या होगा, जी प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलरली टू बोथ द फील्ड एंड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शंस देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि रीजन है, मान लीजिए रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से एंटर करता है इस रीजन में और वो सीधा अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से यहाँ निकल जाता है। अब अगर ये मान लीजिए सीधा इस रीजन से निकला तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है, यानी वो क्या हो गया, एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया, समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया कि ये ऊपर जो है ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नीचे एक नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में यहाँ से एंटर करेगा स्लिट से और समवेयर इन बिटवीन ऑफ द रीजन पहुंचेगा, इस रीजन के अंदर पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इसको हम बोलेंगे क्यू ई, क्यू ई फोर्स लगेगा। देखिए एफ इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू होगा उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा बच्चों क्यू वी बी, वी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड कह लीजिए, और बी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और क्यू है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो हर पॉइंट पर अगर ये एफ एम और एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सीधा अनडिविएटेड अनडिफ्लेक्टेड इस स्लिट से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हर 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 प्लेस पर क्यू ई क्यू वी बी के इक्वल है, यानी एफ ई एफ एम के इक्वल है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्यू ई इक्वल टू क्यू बी रखा, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वी की वैल्यू आई ई बाई बी। यानी अगर जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है,
तो इलेक्ट्रॉन यहां से स्लिट से एंटर करेगा और दूसरी स्लिट से अनडिवेटेड बाहर निकल जाएगा, ओके क्योंकि इस केस पे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे या फिर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, राइट। तो यहां से आपने सीखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक स्लिट से दूसरी स्लिट से सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है स्पीड है वो क्या होगी, ई बाई बी के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, यानी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई बाई बी। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में कराए गए एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप ये जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उनको देखिए, इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।